पता नहीं ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए पसंद है क्योंकि ओरिजिनल बेसिक चीज़ है ना, ओरिजिनल ओरिजिनल इसलिए पसंद है कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है एंड बाद में रीमेक जो होता है वो ओरिजिनल को सुन के होता है रीमेक, तो ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, दैट्स व्हाई दोनों को ही पसंद है। हाँ एक इंटरव्यू में बादशाह ने कहा था कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैं भी हो सकता है कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मैं भी उनके साथ काम करना चाहूँगा, चाहे वो हनी सिंह हो या बादशाह हो। अभी देखिए टेक्निकली हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, सो MP3 डेफिनेटली आई लाइक MP3। आशिकी या DDLG? डेफिनेटली आशिकी। कुछ कहानी है? आशिकी का कहानी क्या है कि ओ इट वाज एन एल्बम, नाम था एल्बम का चाहत, और उसके बाद वो गाने के गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद उसके ऊपर कहानी बनी, गाने के ऊपर, एंड वो फिल्म बनी आशिकी। बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूजिक? डेफिनेटली बॉलीवुड, बॉलीवुड। 90s का म्यूजिक और आज का, आपका नाम चेंज हो गया था, कल्याण जी आनंद जी ने। हाँ, कल्याण जी भाई ने कुमार सानू नाम रखा था। कुछ स्टोरी शेयर कर सकते हैं? नहीं, स्टोरी क्या है, वो बंगाली लोग जो होते हैं हमारे, जो हम जो बंगाली हैं, हम बंगाली हैं, तो बंगाली लोगों का क्या प्रोनाउंसिएशन में सिंगिंग में एक माइनस पॉइंट होता है हमेशा, कि वो उसका प्रोनाउंसिएशन में आपका थोड़ा सा बंगाली झलक निकलता है। इससे पहले हमारे पास बहुत सारे सिंगर्स हैं और सिंगर्स थे और आगे भी एक्सेप्शनल, जैसे मन्ना डे इज एक्सेप्शनल बिकॉज मन्ना डे का हिंदी प्रोनाउंसिएशन एंड बहुत ज़बरदस्त। बाकी लोगों में क्या है, पता चल जाता कि बंगाली गा रहे हैं, बट मेरा क्या है कि मेरा वैसा ही था कि मेरा उर्दू इतना क्लियर होता था तो पता नहीं चलता था कि मैं बंगाली हूँ। बोलने में मेरे को बंगाली लगता है, बट जब मैं गाना गाता हूँ तो किसी को पता नहीं चलता है कि मैं कौन से जात का हूँ, और इसीलिए कल्याण जी भाई ने ये नाम रखा था। मतलब कुमार यार, तेरे को गाना सुनने के बाद कोई नहीं बोलेगा तू बंगाली है, तो तू ऐसा नाम रख जिसमें, मेरे सानू भट्टाचार्य जी था पहले, मतलब ऐसा नाम रख जिसमें किसी को पता ना चले के, तो दैट्स वाई कुमार सानू। आई लव, बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। कुछ हुआ था? कुछ हुआ था जो आपको याद है? कोई लड़की ने इंडोर स्टेडियम में मेरा शो था कलकत्ता में। अच्छा। कोई लड़की ने मेरे कंधे से मेरे को मिलने के लिए हाथ मिलने के लिए, उसका बड़ा बड़ा नाखून था तो कंधे से थोड़ा सा फ्लेश निकल लिया था, थोड़ा सा खुनाखून हो गया था। ये एक है, और ऐसा बहुत सारा है। मेरा अंगूठी ले लिया भीड़ में, हाथ छोड़ता ही नहीं है पकड़ के, उधर धीरे 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 छोड़ना पड़ता है, ऐसा करके निकल लिया था। तो ऐसा काफ़ी सारे किस्से हैं जो क्या बताऊँ। हाँ, बहुत बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपको बोला कि फैंस का जो है फेस टू फेस मैं पसंद करता हूँ। मेमोरी का क्या है इसमें, आंख मारे उसमें उस समय गाया करता था मैं दिन में 10-12 गाना, उसमें एक गाना आंख मारे भी था। एंड डेफिनेटली इट्स बिजू शाह म्यूजिक, एंड बिजू शाह का ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था तेरे मेरे सपने फिल्म का, एंड उसके बाद हाल ही में तानिश बख्शी ने उस गाने को रीमेक किया, एंड उसमें खैर मैं तो गाना गा दिया था बहुत सारा, लेकिन उन लोगों ने 2 लाइन ही रखा, बट 2 लाइन के लिए बहुत चर्चा हुआ। आवाज़ तब वो बेहतर लगता है।
दूसरे गाने पे हम पढ़ते हैं, एक लड़की को देखा तो, ये गाना भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था जी। तो रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ आपकी ऐसे एक्सपीरियंसेस है आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए रिकॉर्डिंग के दौरान जो हुआ था वो अभी मैं स्टेज पे बोलने जा रहा हूँ, बिट रहा है उधर से पिक कर लेना। ओके ठीक है ओके। और सड़क मूवी का एक गाना है जो कि हमें बहुत पसंद है, तुम्हें अपना बनाने की जी, तो उसके बारे में कुछ आप स्टोरी है कुछ जुड़ी हुई? स्टोरी तो इसमें स्टोरी आई थिंक सड़क का गाने में कोई स्टोरी नहीं था, बस गाना रिकॉर्ड करना जैसा रिकॉर्ड किया मैंने, तो मेरे को कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ये नहीं था, मतलब ऐसा कुछ मैं आदर्श गाने जैसा गाता था सड़क में भी वैसे ही गाया। डीडी अजय तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल तुझे देखा तो, तुझे देखा तो वैसे बहुत सारे शोज में और लोग मतलब बहुत सारे सिंगर्स भी हैं जो गाते हैं अभी भी, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए एक अच्छा गाना है एंड लता जी के साथ हमने जिंदगी में जितने भी गाने गाए सारे हिट है लता जी के साथ, तो ये मेरा एक आई एम द लकीस्ट पर्सन कि लता जी के साथ हमारे जो ज़माने का सिंगर्स है उस ज़माने का सिंगर्स का लता जी के साथ जितने भी गाना गाना और वो सुपर डुपर हिट होना, तो आई एम द लकीस्ट पर्सन कि भाई लता जी के साथ मेरे को मौका मिला और मेरा गाना साथ में दोनों का हिट हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक आखिरी गाना है जिसके बारे में डेफिनेटली मैं सुनना चाहूंगी कि दिल है कि मानता नहीं। हाँ दिल है कि मानता नहीं मेरे साथ अनुराधा पौडवाल जी ने गाए थे एंड ये वही नदीम सेवन का गाना था, क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग की यादें, देखिए इस गाने में ये सब गाने में बहुत ज़्यादा बोलने वाली कुछ बात होते नहीं थे, जैसे कि एक बात आप कह सकते हैं कि ये सब गाने जो है ना दीज आर ऑल लाइव रिकॉर्डिंग, एक इसका चार मोई है कि ये लाइव रिकॉर्डिंग था, बाहर म्यूजिशियंस 100 म्यूजिशियंस बैठ के म्यूजिक बजा रहे, हम अंदर में दोनों खड़े होकर गाना गा रहे और अंदर म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए हैं टेक कर रहे हैं, तो एक अलग ही माहौल होता था, जैसा कि महायज्ञ हो रहा है ऐसा लगता था कि 100-150-200 लोग सब घूम फिर रहा है स्टूडियो के अंदर भरा हुआ एकदम, गाना रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक अलग ही माहौल हुआ करता था जब लाइव रिकॉर्डिंग होता, तो उस माहौल में हम लोगों ने ये सब गाना रिकॉर्ड किया, जैसे कि मेरा दिल भी कितना पागल है या जो जितने भी गाने इस तरह के, दिल है के मानता नहीं हो, आशिकी हो, सड़क हो, साजन साथी एंड जीना तेरी गली में, पता नहीं क्या क्या सब और मूवीज था, तो दीज आर ऑल के साथ में गाते थे हम लाइव रिकॉर्डिंग। बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता नहीं है। आपको ना उसमें क्या होता था कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शसनेस, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आपको होगा तो ही आप लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिकॉज आप एक गलती करोगे तो उसके वजह से 100 म्यूजिशियंस आपके ऊपर ऐसा करके देखेगा, उठा आँख उठा के देखेगा, अरे तेरे लिए दोबारा बजाना पड़ रहा है हमको, और अगर म्यूजिशियंस गलती करते हैं उसके लिए हम लोग बोलते नहीं थे कुछ, हम बोला चलो ठीक है कोई और एक बार गा देंगे, दुख होता था क्या हम इस जगह पे अच्छा गा दिया था, अभी सेकेंड टाइम उतना अच्छा आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता था कि हम कोई मिस्टेक ना करें और एकदम भरपूर मज़े लेके गाएं पूरा, क्योंकि पूरा म्यूजिक जब कान में आता है ना, जो लाइव बजने वाला जो म्यूजिक जब कान में आता है तो उसका माहौल ही अलग हो जाता है, हम लोग एकदम डूब जाते हैं, तो इसलिए लाइव रिकॉर्डिंग का जो गाना वो गाना आज भी अमर है, आज भी बज रहा है सब जगह पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। जितनी नई फिल्में आ रही है सर, ज्यादातर फिल्मों में पुराने गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या बॉलीवुड में नए लिरिक्स राइटर की कमी हो गई है? लैक ऑफ मेरिट, आप कैन यू कैन से दैट, एक मजबूरी होता है कि आप आज भी डिपेंडेबल हो 90s के म्यूज़िक हो या उससे पहले का, उस म्यूज़िक पे आप डिपेंडेबल हो, क्योंकि नए गाने का हालत आप जानते हो कितना दिन चलता है कितना दिन नहीं चलता है, वो बहुत बहुत, बट जो पुराने गाने जो है
पुराने मतलब बहुत पुराने नहीं, 2000 या 90s का जो गाने हैं, या 80s का या 70s का जो भी है, पिछले जो गाने हैं उस गाने का लाइफ बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि अभी का जो यंग जनरेशन उसको भी वो गाना पसंद आ रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है कि ये नर्व, ये जो नस जो है, ये नस आज के म्यूजिक डायरेक्टर पकड़ पा रहे हैं, इसलिए वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस गाने को रीमेक कर रहा है। एंड कुछ जगह पे ओरिजिनल सिंगर से गवाने का कोशिश कर रहा है, कुछ जगह पे आज के सिंगर से गवाने का कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि कुछ गाने ऐसे हैं जो यंग जनरेशन्स को मालूम भी नहीं है कौन गाया क्या क्या नहीं गाया, तो जब उनको वो सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि आज के सिंगर भाई कुमार सानू करके सिंगर ने ये गाना गाया, तो हमारे लिए अच्छा है। 1999 में आपने करियर की शुरुआत की आपने, और आज बॉलीवुड में 20 साल पूरे हो चुके सर आपको, इस जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 30 साल पूरे हो चुके हैं, 30 हाँ 30 साल पूरे हो चुके हैं। एंड जर्नी बहुत ही सुखद रही। देखिए स्ट्रगल तो करना पड़ा, स्ट्रगल तो आज भी मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रगल जिंदगी भर करना पड़ेगा। बट क्या है कि हम ये सोच के बहुत खुश होते हैं कि हम चलो चंद लोग ही हो, कुछ लोगों को हम जिंदगी में कुछ खुशी दिया, ये सोच के मेरे को खुशी होती है कि हमने कुछ लोगों को आनंद दिया, खुशी दिया, उनको उनके मुंह पे हंसी लाया, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए बहुत खुश हूँ मैं। इतने सालों में क्या कुछ बदलाव देगा सर आपने फिल्म इंडस्ट्री में, क्या बदलाव सही था? देखिए बदलाव सही, बदलाव तो आना ही था, चेंजेस ऑलवेज वेलकम, बट नॉट लाइक दिस वे कि जैसा लिरिकली हो, लिरिकली आई डोंट एक्सेप्ट कि लिरिकली ऐसा बदलाव हमको चाहिए नहीं था, ये समाज के लिए बहुत ख़राब है। म्यूजिकली ठीक है चेंजेस, कभी कभी अच्छा गाना भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि अच्छा गाना नहीं बन रहा है, बट मैं समझता हूँ कि चेंजेस बेटर है। टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की कर लिया, जैसे समय बचता है, सारा दिन में कभी भी आप जाके गाना गा दो, आपका ट्रैक अलग है, कोई और सिंगर है तो साथ में, वो जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में खड़े होके एक साथ गाओ, वो उनका टाइम पे आके गाते हैं, हम हमारे टाइम पे आके गाते हैं, तो टेक्निकली हम लोग बहुत आगे निकल गया, ये चेंजेस हमको अच्छा लगता है, दैट इज़ गुड। बट वो चेंजेस अच्छा नहीं लगता है जो एक बेसुरा सिंगर या सिंगर है ही नहीं उसको सिंगर बना देते हैं, वो चेंजेस हमको अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी है अच्छा बुरा मिला के ठीक है जी सर। और सर ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ जो पुलवामा में अटैक हुआ है, इसके बारे में आपका शहीदों को कैसे लगता? शहीदों के लिए डेफिनेटली हमको बहुत ही दुख तो है, दुख तो था और अभी भी है, ये तो ज़िंदगी भर के लिए रहेगा, बट खुशी भी उसके बाद हुआ जब हमारे गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाया एंड एक्शन पे आए, और उसके बाद जो हुआ उसमें बहुत खुशी एक मिली। देखिए हमारा लड़ाई जो है, हमारा लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारा लड़ाई जो है वो आतंकवाद के साथ है। सो इसमें हम एक ही बात आपको कह सकते हैं कि भाई हम खुश है कि आतंकवाद के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया गया।